इश्कबाज शिवाय ने अनिका के सो कॉल्ड मंगेतर विक्रम को बुलाया है खाने पर। और शिवाय, अनिका और विक्रम तीनों ही बैठ गए हैं टेबल पर, मगर तीनों के लिए टेबल हैं अलग अलग। ऐसा लगता है कि तीनों किसी स्कूल की क्लास में बैठे हैं और बेंच पर ही बैठ कर लंच कर रहे हैं। हमारे शो का नाम है इश्कबाज और हम प्यार सिर्फ करते ही नहीं है, प्यार बांटते भी हैं। तो जैसे आप आती है आपको इंटरव्यू देते हैं, वैसे अगर विक्रम आता है उसे प्यार देते हैं। तो हाँ, काफी दिल आ रहे हैं। शिवाय अनिका की शादी करवाएगा, सारी अरेंजमेंट खुद करेगा, मगर ये शादी होगी कि नहीं और होगी तो कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दो चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो मजा आएगा, अगर नहीं होगा तो भी मजा आएगा। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा रोज रात 10 बजे। अनिका, विक्रम और शिवाय के इस प्राण त्रिकोण का क्या होगा ये तो हम सब अंदाजा लगा ही सकते हैं, मगर रुद्र और भव्या की प्रेम कहानी का क्या होगा खुद उन्हें भी पता नहीं। दोनों पास पास हैं, साथ में कॉफी का आनंद भी ले रहे हैं, मगर अभी तक प्यार का इजहार भी तो नहीं किया, इसलिए आशंका है कि ये मस्ती भी हो सकती है। पहले जैसे भव्या ने हथकड़ी से रुद्र को बांध दिया था, वैसे आज भी उसे फंसा सकती है, उसकी उंगली भी तो पकड़ ली है। भव्या का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।